अब भी जो नहीं मानता तो वो तो एक दुष्ट इंसान है। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, जानबूझ साची तो जय और करे झूठ ते ने ताकि संगत है प्रभु सोपन में बिना दे। चातुर प्राणी चोर हैं और मूड भुगत हैं ठोठ, ये संतों के नहीं काम के इनको देगड़ चोट। इतने प्रमाण देख के और जो नहीं मान रहे हैं वो श्रद्धालु और फिर भी उन नकली झूठे गुरुओं के ऊपर आश्रित हैं, जो चोर हैं, चोर मीन सच्चाई को भी नहीं मानते, झूठा ज्ञान प्रचार कर रहे, झूठे गलत मंत्र दे रहे, पांचों नाम काल के जानो, और उनके श्रद्धालु इतना प्रमाण देख के भी नहीं मान रहे हैं तो उनके बारे में कहते हैं चातुर प्राणी चोर हैं और मोड मुगध है ठोठ, ये संतों के नहीं काम के, ये तो वही मरे रहे तो बढ़िया है, उनको देख गड़जोट उन्हीं के पास रहे रहे ना मानते, इतना कुछ देख कर भी। उन्हीं में से एक वो विवेकानंद था। विवेकानंद ने कहा कि तू कौन है, कौन जाति है तेरी, इस ज्ञान से कैसे परिचित है और तूने तिलक कैसे लगा रखा है, वैष्णो साधु जैसा तिलक ला रखा परमात्मा ने 5 वर्ष के बालक ने, क्या तूने कोई दीक्षा ले रखी है कहीं से। परमेश्वर कबीर देव जी दुल्हा जाति में थे, प्रकट हुए थे, दुल्हा उठा ले गया था परमात्मा, शिशु रूप में प्रकट हुए थे, जिस कारण से वो धारणक कहलाए थे। परमात्मा कहते हैं दुल्हाए का सुत आण कहाया, यु जगत करे मेरी आसी, साधु अवगत से हम चलाए मेरा भेद मर्म ना पाया। हम तो उस स्थान से चल कर आए हैं जिसके बारे में कोई नहीं जानता, वेद भी नेति नेति कह देते, न इति न इति, हम वहां से चल कर आए हैं और यहाँ धानक का पुत्र आण का आया, यह जगत करे मेरी ऐसी, मुझे मेरा उपहास कर रहे हैं, मुझे पहचान नहीं रहे। तो उसने कहा कि तू कौन जाति का है, क्या तूने उपदेश ले रखा है। अब वो तो बोले नहीं परमात्मा, तब से उससे पहले वो सरोता जो थे वो कहने लगे ये तो नीरू जुलाहे का पुत्र है, जो इस वो कहीं मिला था पड़ा हुआ धानक का पुत्र है, जुलाहे का कार्य करता है। तब विवेकानंद ने कहा क्या तूने उपदेश ले रखा किसी से, कि हाँ ले रखा है स्वामी जी। किससे ले रखा है, कि जिससे आपने ले रखा है, है? मैंने ले रखा है जी, मेरे गुरुजी पता कौन है, श्री श्री 1008 पंडित महर्षि रामानंद जी, वो तुम्हारे जैसे शूद्रों को तो निकट भी नहीं आने देते, देखो रे लोगों कितना झूठा है ये है। और गुरुजी को बताऊंगा, गुरुदेव को जाकर बताऊंगा कि तूने मेरा जीना हराम कर दिया, तूने हमारे गुरुदेव की बेइज्जती कर दी, वो ब्राह्मण है, तुम शूद्र है, फलान है, पता नहीं क्या क्या बकवास करी। अब हम थोड़ा सा शॉर्ट में करते हैं। परमेश्वर कबीर देव जी ने एक लीला की, कुछ ही समय पहले रामानंद जी 104 वर्ष के हो गए थे जब परमात्मा 5 वर्ष की आयु दिखा रहे थे, और सुबह सुबह पंच गंगा घाट पर दरिया में स्नान करने जाते थे, गंगा दरिया में, वहाँ पैड़ी बना रखी थी, पौड़ी बनी हुई थी पक्की। परमेश्वर कभी वो बखत से जाते थे मुँह अंधेरा ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह। परमेश्वर ने 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण किया, पौड़ियों में लेट गए। रामानंद जी अंधेरे में नीचे उतर रहे थे, उनकी खड़ाऊँ यानी पैर के जूता, लकड़ी की खड़ाऊँ होती थी पैर में पहना करते थे साधु। कबीर जी का शर्म लगी लेटे हुए बच्चे के रूप में, परमात्मा बालक की तरह रोने की लीला की। रामानंद एकदम झुके ऐसे और बच्चे को कहा बेटा मेरे से गलती से लग गया, मैंने देखा नहीं, राम राम बोल, सिर पे हाथ रखा, राम राम बोल, राम नाम से सब दुख दूर होते हैं। परमात्मा चुप हो गए और उनके गले में एक कंठी थी, एक वैष्णो साधु की एक पहचान है कि गले में एक तुलसी की लकड़ी की का मनका एक मणिया वो गले में एक धागे बांध लेते हैं, उससे पहचान होता है कि वैष्णो परंपरा से दीक्षित है। वो परमात्मा के गले में डल गई,
परमेश्वर कबीर जी चुप हो गए, रामानंद जी स्नान करने लगे, अंतर ध्यान हो गए, अपने मुंह बोले माता पिता की झोपड़ी में आ विराजमान हुए। तो उस दिन उस परमेश्वर कबीर देव जी ने उस कबीर देव जी ने उसको कहा कि मैंने स्वामी रामानंद जी से उपदेश ले रखा जिसे आपने ले रखा है। तो कबीर परमात्मा जी को पकड़ के रामानंद जी के पास लाया गया। रामानंद जी अंदर अपनी कुटिया के सामने पर्दा लगा करके अंदर से बातें करता है और हजारों श्रोता दर्शक आगे बुला लिए थे उसने, उस नकली महर्षि विवेकानंद ने बुला लिए थे कि आ जाना, ये झूठा है, गुरु जी इसका डंडे मारेंगे हैं। और वो जो वास्तविकता थी वह बुला दी, वो क्या प्रश्न कर रहे थे, क्या बताना चाह थे, वह बात खत्म कर दी कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है। अब पर्दा ला रखा था, अब रामानंद जी पर्दे के पीछे से प्रश्न करते हैं ये दिखाने के लिए कि मैं तो शूद्रों को निकट भी नहीं जाने देता, छूता भी नहीं, दर्शन भी नहीं करता इनके, क्योंकि ऐसा ना करे तो ब्राह्मण वर्ग नाराज हो जाए, फिर उनके कोई चेले रहे को नहीं, इसलिए ड्रामाबाजी करनी घनी जरूरी होती है इनके लिए। और उस समय छुआछात भी चरम सीमा पर थी। तो अंदर से प्रश्न किया उसने रामानंद जी ने, आड्डा पर्दा लाए कर रामानंद बोजंत, दास गरीब कुरंग छवि अदर ढाक कूदंते। अब गरीबदास साहिब जी जिसको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ था, उन छुड़ानी वाले गरीबदास जी ने परमेश्वर का साक्षात्कार होने के बाद ऊपर सतलोक में परमेश्वर उनको लेकर गए, सच्चाई से परिचित कराया, उसके बाद उन्होंने परमेश्वर की महिमा आँखों देखी वर्णित की। आड्डा पर्दा लाए करे रामानंद बोजंते, दास गरीब कुरंग छवि अदर ढाक कूदंते। कुटिया के अंदर आगे पर्दा लाके बाहर परमेश्वर खड़े कबीर जी 5 वर्ष की आयु में, और रामानंद जी बूझते हर ऐसे कूदते हैं जैसे मर्ग कूद जाकर अंदर क्रोध में। कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम, दास गरीब आधीन गति ही बोलत है बलि जाऊ में। अब जैसे तुलसीदास जी ने रामायण को लाखों वर्ष के बाद दोबारा चित्रित कर लिख दिया, ऐसे एक ज्ञान योग होता है जिसकी उसकी उतनी उतनी रेंज होती है। तो उन्होंने जो भी पहले घटना घटी थी श्री राम जी के साथ, वो चलचित्र की तरह सामने चल पड़ती है राइटर के, जिसका ज्ञान योग खुल जाता है। तो परमेश्वर कबीर जी ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी का ज्ञान योग खोल दिया था, उनकी वो अंदर की जो दिव्य दृष्टि ऑन कर दी। तो पिछली घटना जो भी वार्ता हुई थी वो एज इट इज आंखों देखी बता रहे हैं। रामानंद जी बोले, कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम, दास गरीब आधीन गति ही बोलत है बलि जाऊं मैं। गरीबदास जी कहते हैं जैसे परमात्मा होके और एक गुरु से इसकी भूमिका निभाते हुए, और कहते इतना अधीन होकर बोलते हैं कि बलिहारी जाऊं उस परमात्मा की इस लीला पर, गरीबदास जी कहते। और फिर ऐसे अधीन होकर भी नम्र भाव से परमात्मा कबीर जी कहते हैं, जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथे, कह कबीर लिखत पड़े मेरा नाम निरंजन कंते। कि जात हमारी जगत गुरु, मैं सारी सृष्टि को ज्ञान देता हूँ, मेरे अतिरिक्त किसी के पास यथार्थ ज्ञान नहीं है। और यही वेद बताते हैं कि वो परमात्मा सतलोक के तीसरे धाम से चलकर आता है और यथार्थ ज्ञान प्रदान करता है। अब जब परमेश्वर ने अपने आप को
कहा कि मैं ही परमात्मा हूँ, नाम निरंजन कंत। निरंजन ये काल से को निरंजन मानते हैं, और जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है। पंथ एक ईश, ये ब्रह्म है। ईश्वर ये परब्रह्म है, ईश ये ब्रह्म है, इसको सर्वपुरुष भी कहते हैं। ईश्वर ये परब्रह्म है, इसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं। और परमेश्वर ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये सत्य पुरुष है, कबीर जी है। तो क्या कहते हैं, जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ। जैसे कोई तो विष्णु पंथ से है, विष्णु जी का उपासक है तो उसका विष्णु पंथ, और कोई ब्रह्म तक का साधक है उसका ब्रह्म पंथ। ईश की पूजा करता है यानी ब्रह्म की, तो उसका वही मार्ग है। तो कहते हैं मेरा परमेश्वर है पंथ, मैं उस परमेश्वर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म वाला मार्ग है हमारा। अब रामानंद जी बड़ा दुखी हुआ कि परमात्मा तो निराकार है और ये अपने आप को भगवान बता रहा है। रे बालक सुन दुर्बुद्धि, घटमट तन आकारे, दास गरीब दर्द लग्या हो बोले सृजन हारे। अब गरीबदास जी कहते हैं परमेश्वर ने जब अपने आप को परमेश्वर कह दिया, मैं परमेश्वर हूँ परमात्मा हूँ, रामानंद जी का दर्द हो गया इस बात का। ने बोला रे बालक सुन दुर्बुद्धि, तेरा घटमट तन आकार, तू साकार दिखाई देता है, तेरा शरीर है, तू भगवान कैसे कहता हो, तो निराकार है और विष्णु का उपासक। हमने सभी ने ऐसे ही एक कुएं का पानी पी रखा था पहले, हमारा मोतिया बंद हो रहा था सभी के अज्ञान रूपी। कहते हैं दास गरीब, गरीबदास जी कह रहे हैं उसको दुख हुआ इस बात का जब परमेश्वर ने अपने आप को सृजनहार बताया। और कैसी घटिया बातें की रामानंद जी ने, तुम मोमिन के पालवा तेरा जुल्हे के घर बसे, दास गरीब अज्ञान गति एकता दृढ़ विश्वास, मान बड़ाई छोड़े करे बोलो बालक बहन। बहन माने वचन। दास गरीब अदम मुखी एता तुम गट फैन। रामानंद जी यूं कह रहे ना, तुम मोमन के पालवा, तुम एक मुसलमान के घर तेरा परवरिश हुई और तू अपने आप को भगवान कहता, यानी इतने निमन सत्र की बातों पे आ गया रामानंद। और फिर कहता है मान बड़ाई छोड़कर सच्ची बता बालक, तर्क तलु से बोलते रामानंद सुर ज्ञाने, दास गरीब कुजात है आखिर नीच निदान। कितने घटिया शब्द प्रयोग किए कि तू आखिर में कुजात है, तेरी माँ का बेरा ना, तेरे बाप का पता ना, तेरे कुल का पता नहीं, कुजात पड़ा पाया था तू। आय हाय अपने आत्माओं, कलेजा मुंह को आता है, हम इतने नालायक बना दिए इस काल ना, अपने पिता को ऐसे बोल रहे हैं। अब इस ये काल आनंद ले रहा जब हमारी आपस में हम एक दूसरे के दुश्मन बनकर अपने परम पिता से भी दूर रहते हैं, उसकी तरफ मुंह भी नहीं करते, यू तो देवताओं की पूजा छुड़वाता है। काल इसी तरह हमें यह फंसाए रखता है। अब क्या कहते हैं अपनात्मा, हमने ये देखना है कि रामानंद तो इसी कटु शब्द बोल रहा है, और यहाँ गुरु शिष्य की मर्यादा ऐसे हो, और परमात्मा इस हमें एक रिहर्सल करके बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल कोड कर रहे हैं। आप आरती आप साज आप किंगर आप बाजे आप ताल झां जनकारा, आप नचे वो आप देखना रहा, आप भगवान आप एक जगत गुरु तत्वदर्शी संत बनकर प्रकट हुए, वहां से चल कर आए, आप ही सुयोग्य शिष्य की भूमिका निभा रहे हैं और स्वयं ही एक अच्छे नागरिक की, एक कर्मठ व्यक्ति का की भूमिका की मालिक ने कहा कि ऐसे रहो जैसे मैं रह रहा हूँ, अपना हाथा काम करो, किसी का आश्रित मत रहो, विश्वास मालिक पर रखो, देखना तुम्हारे कितने ठाठ करूँगा। ओ परमात्मा, सारी सृष्टि को आहार देने वाला और स्वयं कपड़ा बुनकर यहाँ रोजगार अपना गुजारा करके दिखा रहा था हमारे लिए, ताकि हम भूल जाएं कोठी और बंगला ने।